ತೋಡಿಸಿ ದಿಲ್ಲಗಿ 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 ತೋಡಿಸಿ ದಿಲ್ಲಗಿ ಆಚೆ ರೂಪ ತಕ್ ಫೂಲ ಬನ್ಕಿರಿ ಔರ್ ದೇಖದೆ ದೇಖದೆ ಯೇ ಸರಾಪ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಬನಿ ದಿಲ್ಲಗಿ ದಿಲ್ಲಗಿ ತೋಡಿಸಿ ದಿಲ್ಲಗಿ 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 ತೋಡಿಸಿ ದಿಲ್ಲಗಿ 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 जी औलाद पालना वाकई बड़ा मुश्किल काम है। वो किसी सियाने ने कहा है ना कि मेरा जब एक बच्चा भी नहीं था तो बच्चा पालने के 10 तरीके आते थे मुझे, अब मेरे 10 बच्चे हैं तो बच्चा पालने का एक तरीका भी नहीं आता। भाई साहब, आज अगर आपके बड़े भाई जिंदा होते तो ये बात वो आपसे खुद करते। कौन सी बात? दरअसल मैं अफशी को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। अभी अफशी आप ही की बच्ची है, पाकिस्तान में आपके अलावा हमारा है ही कौन? आप समझे नहीं, मैं रुस्तम और अफशी की शादी की बात कर रही थी। अभी तो वो दोनों पढ़ रहे हैं, रुस्तम अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, कोई काम पे लग जाए तो बात कर लेते। भाई साहब, रुस्तम कॉलेज के बाद काम भी करता है और सारे घर का खर्चा वही चला रहा है। ठीक है, मैं अफशी से जरा बात करूं। ठीक। अरे अफशी बेटा, ये जब भी ऐसी जाती है ना गुस्से में, मैं जरा इससे बात करूं। क्या हुआ पापा? आपको पता है रुस्तम इस थीफ, वो एक चोर है। पापा, हम डिपार्टमेंटल स्टोर गए, वहां से उसने चॉकलेट्स और ड्रिंक्स चुराई और मुझसे कहते हैं कि चोरी की चॉकलेट्स खाने का मजा ही कुछ और है। और आपको पता, हमारे पीछे पुलिस लग गई थी। ही इज नॉट अ गुड गाय पापा। हां अब बताओ कहां है। अपने बेटे से पूछे कहाँ है वो? वो तो चला गया, मुझे कुछ नहीं बता कर गया। पुलिस पकड़ लेती उन दोनों को, मेरी बेटी और वो इस वक्त थाने में होते। ये क्या कह रहे हैं आप? और डिपार्टमेंटल स्टोर से चोरी की है उसने, चीजें चुराई है उसने। मुझे इससे ऐसी तवक्को नहीं है। तवक्को तो मुझे करनी चाहिए थी उससे, उस वक्त जब अफशी ने पहली बार मुझे बताया था कि उसने गाड़ी चलाते हुए सिग्नल तोड़ा है। हर बड़ा जुर्म छोटे जुर्म से शुरू होता है भाभी। मेरी सुनने तो सही। बस बस, इट्स इनफ इनफ फॉर फिटना। करा दिया ना मुझे बेइज्जत। पुप्पो, ये हार आपने अपनी शादी पर पहना था? तुम्हारे पुप्पा के खानदान में आने वाली दुल्हन को यही हार पहनाया जाता है। और तुम भी यही हार पहनोगी। हेलो मलाइका। क्या खबरें हैं? बीबीसी तो तुम हो। क्या मेरी खबरें गलत होती हैं? वैसे एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। सुनो, ये स्पिंटर वाला मामला तो नहीं जिसे उसके प्रमोटर ने कहा कि आपके लिए एक अच्छी खबर है एक बुरी? अच्छी खबर ये कि आपकी तमाम पेंटिंग्स बिक गई हैं, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि अगर ये पेंटर मर गया तो आपकी पेंटिंग्स करोड़ों रुपए की हो जाएंगी। और बुरी खबर ये कि आपकी तमाम पेंटिंग्स उस डॉक्टर ने खरीद ली हैं जो आपका इलाज कर रहा था। ये जोक था? गाना सुना रही थी। अच्छा,
तुम भी कोई खबर सुनाओ, क्या हो रहा है? फूफा मुझे जेवर दिखा रही थी और शादी की बात कर रही थी। है वो भी मेरी अम्मी की तरह अपनी शादी के किस्से सुनाती रहती हैं क्या? जी नहीं, फूफा मेरी और काशिफ की शादी की बात कर रही थी, मुझे खानदानी जेवर दिखा रही थी। मम्मी से बात करें ना। करेंगे यार। रो भाई, आप कहीं चुप करके तो नहीं कर रहे शादी? मदर से चुप करके नहीं, बातें करता हुआ कर रहा हूं। खैर करता हूं बात। हेलो माँ। जी बेटा। माँ वो याद है आपको, वो क्या नाम है, वो काशिफ का दोस्त मुदस्सिर, वो अब वही जो इम्तिहान में नकल करके पास होने की नाकाम कोशिश किया करता था, अब होटल खोलने की नाकाम कोशिश कर बैठा। मामा मेरे सामने बैठा और जिद कर रहा है कि मंगनी उसी के होटल में की जाए। माँ आप बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं बेटा, बाद में बात करेंगे। और माँ वो जिद कर रहा है कि मेरी सालगिरह वाले दिन ही मंगनी रखे, और बदकिस्मती से हॉल भी खाली खाली है नहीं, रखा हुआ है। वो क्या बात है? कुछ नहीं, बाद में बात करें। रो भाई आप सिर्फ डेट कंफर्म कर दे बस। Excuse me? माँ मुझे जल्दी नहीं है, इसने जल्दी डाली हुई है, मैंने बहुत बड़ी गलती की इसको अपनी मंगनी का बता के। तो फिर माँ वो 6 तारीख डन कर दें। ओके मामा। रो भाई शादी से पहले कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सुना है शादी के बाद कंफ्यूज रहने का बहुत मतलब। 6 डन हो गई, बट मैं चलता हूं, मैंने अरेंजमेंट करने हैं। बाय। तुमने तो पर्सनल बात करनी। जी वो पूछना था कि कॉफी पियेंगे आप? ये पर्सनल बात? हाँ इसका ऑफिस से तो ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। एक्सक्यूज मी। चुप हो रुस्तम। यार मसला क्या है? 2 टोक मुकाओ चलो। काशी। काशी क्या है? काशी वो कि तुमने क्या मुंह लगा रखी है बोलो। काशी वो क्लास ट्रिप पर जा रही है। देखो अगर तुम मेरे साथ ट्रिप पर चलोगे ना तो वो मुझे भी इजाजत दे देंगी। मैं ट्रिप पे नहीं चल सकता। ट्रिप पर चलकर नहीं, बस में बैठकर जाना है। सारी क्लास जा रही है तो जाने का फायदा। वहाँ कौन सी फर्स्ट ईयर होगी? क्या अब मेरा मतलब है कौन सा फर्स्ट टाइम जाना है, पिछले साल तो गए थे। थैंक यू मामा। फूफो देखे ये मेरे साथ ट्रिप पर नहीं जा रहा। मामा वहां जाने से वक्त पास आया होता है और पढ़ाई का हर्ज होता है। तुम्हें जैसे पढ़ने का बहुत शौक है, जब कमरा इम्तिहान में सब लोग पेपर हल कर रहे होते हैं उस वक्त तुम क्वेश्चन पेपर पढ़ के पढ़ रहे होते हैं। काशी साथ चले जाओ, अब मैं उसे अकेले तो नहीं भेज सकती ना। मामा मुझे पहाड़ों से एलर्जी है। तुम कहीं वो पहाड़ तो नहीं समझ रहे जो तुम स्कूल में लटा करते थे? और मामा आपको पता है ट्रिप जो है ना बस पे जाना है और यू नो सड़कों पे कितने हादसे होते हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है,
घरों में हादसे ज्यादा होते हैं। और आपकी तलाक लेबली आज है कि उस दिन मेरे दोस्त की शादी है। कौन से दोस्त की शादी है, क्या नाम है? वो है ना उसका नाम, वो बताओ बताओ बताओ, सोचने तो दो। देखे ये बहाने बना रहा है। ए हेलो, मैं कोई बहाने नहीं बना रहा, मैं जो कुछ कहता हूँ ना सोच समझ के कहता हूँ। और मामा जानी मुझसे तो मेरा कोई नाम पूछे ना तो मैं सोचने के बाद जवाब देता हूँ। देखा, याद आ गया, मेरे दोस्त सलीम की शादी है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सलीम जो मैट्रिक में तुम्हारा क्लास फेलो था, जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई थी। हाँ हाँ वही वही। अच्छा, अब नहीं नहीं, वो तो सलीम सीनियर था, ये सलीम जूनियर है। सलीम जूनियर। किस दिन है शादी? उसी दिन जिस दिन तुमने ट्रिप पे जाना है, संडे को। ट्रिप मंडे को जा रहा है। उस दिन तो मेरे दोस्त के नाना का जनाजा है। तुम्हें जनाजों पर भी बहुत पहले से इनवाइट कर लेते हैं। सीधा कहो कि नहीं जाना। तो मैं कौन सा उल्टी तरह कह रहा हूँ। हाय 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 हाय, हाउ आर यू काशिप? पता चला यार फर्स्ट ईयर की लड़कियां ट्रिप पे जा रही हैं। क्या हुआ? अफशी जा रही है। हैं? पहले मुझे बता के जाती जहां जाना होता उसने। अफशी जा रही है। वैसे एक बंदे को पता है कि वो जा रही कि नहीं जा रही? किसे पता है? अफशी को। तेरी जसूसी के सदके जाऊं। वाह क्या बात है काशिफ, आइडिया बड़ा जबरदस्त आइडिया है मेरे जहन में। क्या? क्यों ना हम जाके लड़कियों से कंफर्म करें और उन्हें कहें कि प्रोफेसर खालिद ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि वो जाके लड़कियों से पता करे कि कौन कौन जा रहा है कौन कौन नहीं जा रहा। जीनियस नहीं हो क्या? क्यों, मैंने गलत बात की? आइडिया बहुत अच्छा है, पर एक शर्त पर। क्या? बात क्यों करेगा? किसे? नहीं नहीं, अफशी से। वो है लिस्ट बना, लिस्ट बना, लिस्ट बना लेते वो बात। चुप 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 चुप, कागज निकाल, कागज निकालो, यहाँ से सांप निकलता है। नाम, नाम लिंक नंबर वन अफशी, अफशी नंबर टू अफशी, अफशी नंबर तीन अफशी। इस तरह अफशी जा रही है। देखा ना था कभी हमने ये सामान रचा ना तू। तुम हमेशा गलत गाती हो, इसकी एक टोन होती है। ओके ओके, अगेन अगेन। देखा ना था कभी हमने ये सामान रचा। एक्सक्यूज मी। ओ यस, you are always excused. Oh, thank you. दरअसल वो हमें ना वो प्रोफेसर खालिद ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि वो जाके हम कंफर्म करें कि कौन कौन जा रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं। ट्रिप पे। हाँ जी, तो आप अपने अपने नाम लिखवाएं। आपका नाम? मैंने उनका नाम पूछा है, आपका नहीं। मैंने भी उनका बताया, अपना नहीं। इनका? हाँ। आपका नाम यार? अफशी गैन से होता है ना? गैन से खशी होती है जो तुझे भी पड़ेगी। अफशी अलिफ से होता है, जाल गवास। अफशी अलिफ से होता है। वैसे बाय द वे, ये सब आपसे किसने कहा है? प्रोफेसर खालिद ने, अपने प्रोफेसर खालिद, खूबसूरत प्रोफेसर खालिद। उन्होंने कहा है कि हम तो कह रहे थे हमारे पास टाइम नहीं है, तो उन्होंने हमारे पास तो टाइम ही नहीं था, हम तो बिल्कुल फारग बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे सर को मुझे तो समझ ही नहीं है बिल्कुल, है ना? हाँ सर, बिल्कुल भी नहीं। खैर तुम ठीक कहती हो, मुझे खुद इन दोनों की आज तक समझ नहीं है। ओके अपना काम करो। बाय सर। बाय सर। देखा ना था कभी हमने ये सामान चला, मुझे नहीं आएगा कभी।
काशिफ क्या सोचते हो? सोच रहा हूँ कि कॉलेज में कौन सा ऐसा दिन होगा जिस दिन हमारी बिस्ती ना हुई हो। संडे है? क्योंकि संडे को कॉलेज बंद होता है। वैसे कॉलेज बड़ी अच्छी जगह है, अगर आपकी कजन साथ ना पढ़ती हो तो। यार अफशी का पता नहीं चल सका कि वो ट्रिप के साथ जा रही कि नहीं जा रही। काशिफ आइडिया आ गया। आ गया। अब बता अफशी की आजकल किरण के साथ बड़ी दोस्ती है। हाँ क्यों ना हम किरण से पूछे कि वो जा रही कि नहीं जा रही। यस किरण से पूछ। क्या पूछना है किरण से? काशिफ अब वो हाँ हमने तुमसे पूछा था कि वो आखिरी पीरियड में क्या पढ़ा है। ओह वेरी फनी, तुम दोनों जब पढ़ाई की बात करते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे जोक सुना। वो नजमी की बात कर रही है तुम? हम दोनों की कर रही है। चलो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बाय नजमी। बाय बाय नजमी। हाय किरण। हेलो अफशी। तुम ट्रिप पे जा रही हो ना? बहुत मजा आएगा। पता है मैंने तो पाकिस्तान पूरा देखा ही नहीं। नहीं मैं नहीं जा रही, एक्चुअली मेरी कजन को कोई बिजी है। वो किरण आओ चले, वो बहुत भूख लग रही है मुझे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये बोतल दे दो। चल चल ओके ओके ओके। लाइब्रेरी लाइब्रेरी में। हेलो वो आप चाय पियेंगे? आप नहीं नहीं बोतल बोतल जूठी है। बाय बाय बाय। वो ये गाड़ी आपकी है ना, वो 8 लाख वाली जी? आप फिर चली जाएंगी? अच्छा हुआ चली गई। अच्छा हुआ। तुम कल पिकनिक नहीं कर रही? किस चीज की पिकनिक? वो कल कॉलेज ट्रिप पे जाना है ना। किसने जाना? वो कल तुम बार बार कह रही थी ना कि ट्रिप पे जाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं। तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो फिर तुम एक काम करो। कुछ ना करो, हम कहीं नहीं जा रहे। अम्मी अम्मी ओहो, तुम दोनों क्यों आपस में लड़ते रहते हो? अम्मी कल ये खुद कह रही थी कि ट्रिप पे जाना है, आज कह रही है नहीं जाना। फूफू जान वक्त जाया होता है। अम्मी जान अपना मुल्क घूम फिर के देखना चाहिए। सड़कों पर हादसे होते हैं जी। वैसे तुम्हारे तो दोस्त की शादी थी। कौन से दोस्त की? हाँ वो सलीम जूनियर, वो तो पोस्टपोन हो गई। हाँ तुम्हारी ट्रिप पर जाने के लिए? नहीं वो वो ना वो उसने दर्जी ने डेट आगे की दे दी तो कैंसिल हो गई शादी। ठीक है तुम इतने रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। ओह थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम। कॉलेज ट्रिप कैमरे के बगैर मुकम्मल नहीं है। मेरे लिए मेरे लिए ए हेलो, तुम्हें सिर्फ खींचने के लिए दिया है, तस्वीर मेरी खींचनी है। चलो चाय बनाओ। शट अप, खुद बनाओ। और ये पकड़ो बासी ऑरेंज अपने मुंह की तरह। मैं खुद चाय बना लेता हूँ, वैसे भी सुनने का रसूल है। भाई तुम चाय पियोगे? नहीं नहीं तुम्हें मैं बाल्टी में चाय डाल के देता हूँ, ठहर जाओगी। अलहमदुल्ला साहब, आप प्लीज गाड़ी में बैठे, स्टार्ट करें, मैं स्टूडेंट्स को बुलवा दूँ। चलिए Come on, boys and girls, चलिए चलिए गाड़ी में बैठिए, टाइम हो गया। तुम ही मेरी खुशी। जल्दी लगाओ काशिफ, लक्ष्मी, चलो अंदर।
और ये जिमनास्टिक बाद में करना, समझ लो। तुम ऐसा करो कि ये इधर झील है, वहां तक जाओ घूमो फिरो, मैं जरा होटल की क्या करूँ। जाओ 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 जाओ, देखो ये वहां जाके करना, जल्दी जाओ। और जब मिस्र हिला है ना,
नीचे का।